चलिए पतिदेव से पूछते हैं आज उनको खाने में क्या खाना है। तो इन्होंने सेलेक्ट कर लिया आम वाली दाल और राइस, और यही बनाते समय मुझे याद आया क्यों ना मैं साथ में आलू का चोखा भी बना लूँ। तो सबसे पहले मैंने दाल को वॉश कर लिया और उसके बाद दाल में पानी डाल के उसमें नमक, मिर्ची और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड किया और साथ में कटे हुए आलू को रख दिया और 2 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। और साइड में मैंने रख दिया चावल। राइस और दाल पकेगा तब तक मैंने आम को कट कर लिया, कच्चे आम को, और उसके बाद इधर सीटियों को मैंने निकाल दिया और आलू को निकाल के रख दिया और आम को डाल के एक और सीटी लगा देंगे। और इधर मैंने चोखा की तैयारी कर ली, मिर्च को फ्राई कर लिया, लहसुन को फ्राई कर लिया और प्याज को साथ में फ्राई कर लिया। अभी हमारा चोखे का सारा चीज रेडी है और इसको मैंने मिक्स कर लिया और थोड़ा सा नमक, और अच्छे से मिक्स करके हमारा चोखा भी रेडी है। दाल को सिंपल तरीके से फ्राई कर लेंगे हींग, मिर्च और जीरा डाल के, और अभी हमारी दाल बन के रेडी है। दाल, राइस और चोखे का कॉम्बिनेशन बेस्ट है और इसको खा के तो बिल्कुल मजा ही आ गया और बहुत टेस्टी बना था। आप भी ट्राई करना, बताना कैसा।